पहली बार यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर आज उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस बारे में हमने बचपन से बहुत सुना था, लेकिन हमें मौका ही कभी नहीं मिला लाल बाप साहब के यहाँ पे आना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वक्फ में आए हैं, तब से हर एक दरगाह पे, हर एक ज़ियारत पे, हर एक वली के दरबार में हाज़िरी देने का मौका मिला, ये अल्लाह का करम है। लेकिन जबकि ये ज़ियारत हमारे वक्फ के अंडर नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल खुश हुआ कि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तामीरात है। हम चाहते हैं जितने भी दरगाहें हैं, जितने भी वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार हैं, वो सारे ही अच्छे तरीके से हो, वहाँ पर लोग आए, क्योंकि इन दरगाहों से आपने देखा कि अकीदत हमारी जुड़ी हुई है। हर एक जो कश्मीर के फ़िरके की एक अकीदत इन दरगाहों से हमारी है, और ये अकीदत कायम व दाइम रहे, उसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ की इंतज़ामिया कैसी है, इंतज़ामात कैसे हैं, और लोगों के साथ जैसे लोग आते हैं उनको कितना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम मिलता है, तभी यहाँ इबादत करने में भी मज़ा आता है। अल्लाह करे कि ये हमारे सारे दरबार हमेशा ठीक रहे और यहाँ पे ज़ायरीनों का तांता रहे और हम पे रहमत अल्लाह ताला। देखिए, बजट तो हमेशा हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जब से आप 5 अगस्त के बाद, आप 19 के बाद देखेंगे तो बजट में प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को मिली है, और आज भी वही प्रायोरिटी कायम व दाइम रही यहाँ पे टूरिज़्म, क्योंकि पहले तो टेररिज्म की बात होती थी, अब टूरिज्म की बात रहती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ गया है उसके लिए मरकज़ी सरकार ने दिल खोलकर हमें जो बजट दिया है, तो उससे यहाँ की तरक्की में और 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह, वो हमें उम्मीद है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से आज 24/7 काम कर रही है, और आने वाले वक्त में और भी अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। चाहे वो कोई भी ज्यारत हो, कोई भी मुका हो, खान का हो, तफरत गुंजाइश तो कॉन्ट्रीब्यूशन अल्लाह तला बूझन अभी कर।